फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। वेब सर्विस क्या होती है, इसका क्या इस्तेमाल है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, बात करेंगे इस बारे में, क्या है, क्यों है, कैसे काम करती है। आइए शुरू करते हैं। वेब सर्विस, वेब का नाम आ रहा है तो इंटरनेट तो आप समझ गए कि इंटरनेट के ऊपर है। अब वो इंटरनेट के ऊपर हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार इंटरनेट के ऊपर भी होती है, यानी कि प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर भी आप वेब सर्विस बना सकते हैं। मोटा मोटा होता ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी सर्विस बना दी जाती है जिसके ज़रिए डेटा कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज आसान हो जाता है, इसीलिए बनाई जाती है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन के डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में डेटा चाहिए, डेटा फ्लो होना चाहिए, कोई ख़ास तरीके का एक आइडेंटिफाइड डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए, इसके लिए वेब सर्विस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब डेटा तो तब भी ट्रांसफ़र होता है जब मैं यहाँ से एक ईमेल करूँ और दूसरा कोई अपने ईमेल पे खोल ले, तो उसको वेब सर्विस नहीं कहते हैं, उसको ईमेल ही कहेंगे, वो ईमेल जा रही है। वेब सर्विस एक ख़ास एनवायरनमेंट में बनाई जाती है जिससे कि एक एप्लीकेशन जो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में हो, एक प्लेटफॉर्म पे हो, उस एप्लीकेशन को आप किसी टोटली दूसरी एप्लीकेशन से जो अलग प्लेटफॉर्म पे अलग लैंग्वेज में लिखी है, कोई आपस में तालमेल जोड़ नहीं है, लेकिन वेब सर्विस के थ्रू एक ख़ास तरीके का डेटा जो आपने आइडेंटिफाई कर रखा है वो उन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में एक्सचेंज हो सकता है। मिसाल के तौर पे तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि होती क्या है, अब मैं आपको क्यों बताऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। ट्रैवल इंडस्ट्री में मेक माई वेबसाइट का एग्जाम्पल ले लो, आप गए मेक माई वेबसाइट पे, वहाँ पे आपने सर्च किया दिल्ली से बम्बई फ्लाइट, आजकल सारी फ्लाइट्स बंद हैं, लॉकडाउन है, लेकिन अगर आप वैसे सर्च करेंगे तो MMT की वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हैं कौन कौन सी फ़्लाइट जा रही हैं। अब मान लो स्पाइस जेट की आपको टिकट्स दिख रहे हैं कि फला टिकट इतने इतने रुपए का, इतने इतने बजे का, वो कैसे दिख रहे हैं, बिकॉज समवेयर देर इज़ अ वेब सर्विस विच इज़ मेकिंग इट पॉसिबल फॉर MMT टू डिटेक्ट टिकट इन्वेंट्री अवेलेबल ऑन SpiceJet वेबसाइट एंड देन फ्रॉम देयर इट इज़ एबल टू फेच दैट इन्फॉर्मेशन रियल टाइम। एक वेब सर्विस है जिसकी वजह से लाइव इन्वेंट्री SpiceJet की MMT को दिख रही है और वो अपनी वेबसाइट पे दिखा रही है रियल टाइम, जिससे कि आप टिकट देख के अपनी बुकिंग कर सकते हो। तो ये एक मोटा मोटा एक एग्जाम्पल हो गया। अब मोटे मोटे तौर पे बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करती है। वेब सर्विस का मोटा मोटा काम है इंटरनेट बेस्ड सर्विस जिससे कि डेटा फ्लो हो जाए, एक एप्लीकेशन का डेटा दूसरी एप्लीकेशन में पहुंच जाए और आइडेंटिफाइड डेटा। अब डेटा ट्रांसफ़र करवाना है, डेटा कैरी करवाना है, तो बेस्ट लैंग्वेज यहाँ पे XML है, क्योंकि XML इज़ द बेस्ट लैंग्वेज टू टैग डेटा, टैग दी आइडेंटिफाइड डेटा। एक बार डेटा टैग हो गया तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, फिर उसको सही जगह में फिट करना बहुत आसान है, तो XML का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। फिर इसके अलावा अलग अलग ओपन स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे SOAP हो गया, WSDL हो गया, वेब सर्विस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। तो इस तरीके से आप ये ओपन स्टैंडर्ड का यूज़ होता है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक वेब सर्विस बना के एक डेटा फ्लो क्रिएट किया जाता है बिटवीन द टू एप्लीकेशंस यूजिंग अ वेब सर्विस, जिसकी वजह से जो कई रियल टाइम यूज़ केसेस हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया MMT का, कि MMT दुनिया भर की एयरलाइंस का डेटा, इन्वेंट्री डेटा वेब सर्विस के थ्रू अपनी साइट पे पुल करके रियल टाइम लोगों को इन्वेंट्री दिखा सकती है। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस यूज़ केसेस होते हैं जो कि वेब सर्विस की वजह से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये था वेब सर्विस के ऊपर छोटा सा जानकारी वाला वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।